आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका भारत को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। यूएन ने मसूद अजहर का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। भारत लंबे समय से मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की मांग कर रहा था। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने को लेकर इस बार चीन ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। वही मसूद अजहर पर भारत में कई बड़े आतंकी हमले करने का आरोप है। इसमें संसद पर हमला, पुलवामा हमला, पठानकोट हमला मुख्य रूप से शामिल है। पुलवामा हमले में आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले जैसे मोहम्मद काका मुखिया मसूद अजहर ही है। बता दें कि मसूद का जन्म पाकिस्तान के भावलपुर में 1968 को हुआ था। 11 भाई बहनों के अजहर 10वें नंबर का था। मसूद अजहर के पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। उसका परिवार डेयरी का कारोबार भी करता था। मौलाना मसूद अजहर की पढ़ाई कराची की जामिया उमुल अल इस्लामी में हुई थी। अजहर का संबंध हरकत उल अंसार से भी रहा है। पहली बार अजहर को 1994 में गिरफ्तार किया गया था। उसको श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था। कंधार विमान कांड के बाद भारतीय जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरकर, शेख अहमद उमर सईद जैसे चरमपंथी नेताओं की रिहाई की मांग की गई थी और इन्हें छोड़ दिया गया था। जेल से छूटने के बाद मौलाना मसूद अजहर ने फरवरी 2000 में जैसे मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन की नींव रखी, जिसका मकसद था भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। साल 2001 में भारतीय संसद में हमला हुआ जिसके पीछे जैसे मोहम्मद का ही हाथ था। पाकिस्तान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और लेकिन उसके खिलाफ सबूत नहीं दिए जाने से लाहौर हाईकोर्ट ने उसे छोड़ने के आदेश दिए थे। वहीं आतंकी मसूद अजहर के नापाक इरादों से अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। साल 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की गई। इस घटना के बाद अमेरिका ने मसूद अजहर को मांगा था। वहीं साल 2003 में परवेज मुशर्रफ पर भी आत्मघाती हमला हुआ था। इसके बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दबाव बढ़ने के बाद उसे नजरअंदाज हिरासत में ले लिया गया, लेकिन वह बच के निकलने में कामयाब रहा। लेकिन कूटनीतिक तौर पर राजनीति में ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत है और कहीं न कहीं बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। जहां पर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर वाहवाही लूटने वाली बीजेपी जरूर इसका प्रचार चुनाव में करेगी, वही इसका असर नरेंद्र मोदी जी की रैली में भी दिखा। जैसे ही मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित करते हुए आतंकी मसूद अजहर की कामयाबी को अपने सिरे ले लिया।